गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू आर रियली रियली गुड। तो आज की वीडियो में आपके साथ रोज फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ। वो बहुत ही अमेजिंग सा फेस पैक है, सीरियसली स्पीकिंग बहुत ही अमेजिंग है। कमाल का आपको आपके फेस पे ग्लो नजर आएगा एंड बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप इसको ज़रूर ट्राई करना, इस वाले फेस पैक को। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को जरूर हिट कर लेना ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ या मेरी फ्यूचर में जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए एंड आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल सी गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, ये ना केवल आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम्स को दूर करती है, बल्कि आपकी हेल्थ की इश्यूज़ को भी दूर करती है। एंड इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है एंड विटामिन के भी होता है। ये स्किन की डैमेज सेल्स को रिपेयर करके यूथफुल बनाती है। गुलाब की पंखुड़ियों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये स्किन पर हानिकारक माइक्रोब्स को एक्टिवेट होने से रोकती है। साथ ही साथ धूल पॉल्यूशन एंड इसके कारण जो भी फेस पे प्रॉब्लम होती है ना उसको भी, उसकी भी भरपाई का काम करती है। अगर आपको रेडिएंट ग्लो पाना है तो आप चाहो तो गुलाब की पंखुड़ियों से बना पेस्ट आप डेली भी यूज़ कर सकते हो। ये आपकी त्वचा पर कालापन जो होता है उसको दूर करेगा, डार्क स्पॉट को दूर करने में हेल्प करती है, एक्ने और पिंपल को भी होने से रोकती है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर होती है ये गुलाब की पंखुड़ी। अगर आपके पास टाइम है तो आप गुलाब की पंखुड़ियों का भी पेस्ट बना सकते हो, उसको ड्राई करके भी बना सकते हो, उसका पाउडर बना के भी रख सकते हो। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप रेडीमेड भी कोई पाउडर ले सकते हो, रोज़ पाउडर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे बहुत सारे। बट कई भी कभी होता है ना कि हमें नहीं पता होता कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी स्टेमियो ब्रांड का ये रोज़ पाउडर जो बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा, जो प्योर है, नेचुरल है, जिसे मैन एंड वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, क्रुएल्टी फ्री है, नो एनिमल टेस्टेड, बहुत ही नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे ये वाला काफ़ी पाउडर अच्छा लगा, एकदम नेचुरल है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड इसका आप कलर भी देख सकते हो, कलर भी कितना नेचुरल सा इसका कलर है, बहुत ही सुंदर सा देखने में लग रहा है। एंड इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है एंड 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आप एक बार के यूज़ में देखो ना तो आपको 6-7 रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि काफ़ी सही है। इतने रुपए में आप अगर बाहर फेशियल कराने जा रहे हो पार्लर में तो कम से कम आप 1000-2000 तो वहाँ भी खर्च कर दोगे। एंड बाकी जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ वो मोस्टली घर में मिल ही जाती है। चलिए देख लेते हैं इस फेस पैक को कैसे बनाना है। ऑयली स्किन वाले इसको लगा सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसमें आप हनी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है कांच का एंड इसके अंदर मैं एक चम्मच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक्चुअली ये दो लोगों के लिए मैंने फेस पैक बनाया है, अगर आप सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हो तो इसका हाफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक से सवा चम्मच, थोड़ा कम ही है उससे। ओके, तो इतना मैंने मिक्स कर लिया है पाउडर, रोज़ पाउडर, एक चम्मच मैंने दही ऐड किया है और एक ही बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है एंड थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर दूध मिला के एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए इतना मैं इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध ही मिलाना है, थोड़ा थोड़ा दूध मिलाने पर ना अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाती है एंड अच्छे से पेस्ट भी बन जाता है। आप चाहो तो रॉ मिल्क भी ले सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास उबला हुआ भी मिल्क है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई भी लंग्स नहीं रह जाने चाहिए। बट एक चीज़ पता नहीं क्या हुई थी, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, इसका कलर एकदम चेंज हो गया था। यहाँ आप कलर देख सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पर कलर आप देख सकते हो, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है ना, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ बट एक कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था लगाने के, मतलब 15-20 मिनट रखने के बाद में। तो चलिए आप अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, फेस वॉश करने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ओके, चलो मैंने इसके अंदर जो दही मिलाई है, दही का आपको फ़ायदा बता देती हूँ, दही के इस्तेमाल से आपकी स्किन टोन सही रहती है, ये स्किन को सॉफ्ट और मुलायम करने में मदद करती है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, मुहासों की प्रॉब्लम को दूर करता है। और इसमें मैंने जो बेसन ऐड किया है ना,
बेसन चेहरे की टोनिंग टैनिंग को दूर करता है, पिंपल से भी निजात दिलाता है, इसे त्वचा पर लगाने से ग्लो भी दिखने लग जाता है, डेड सेल्स को निकाल देता है, बेसन त्वचा में कसाव लाता है, फाइन लाइंस और झुर्रियों को दूर करता है, इसे लगाने पर आपकी त्वचा की नमी भी लौट आती है। और इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है ना, वो नेचुरल क्लींजर का काम करता है, स्किन भी ब्राइटनिंग करने में हेल्प करता है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है लगभग आधे घंटे बाद, वैसे तो 15 से 20 मिनट तक आपको छोड़ना है इस पैक को, बट यहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा और रुकना पड़ा था, तो ये लगभग ड्राई हो गया था। आपको पूरी तरीके से ड्राई नहीं करना है, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं थी तो अंधेरे में वीडियो शूट नहीं कर सकती थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा निकाल के, क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है ना, तो आप देख सकते हो नॉर्मल वाटर से ही मैंने इसको वॉश किया है, फेस पे आप खुद ही देख सकते हो कितना डिफरेंस आया है ना। जस्ट मैंने बिंदी छोटी सी एंड लिपस्टिक अप्लाई की है, उसके अलावा मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। इस वाले फेस पैक को आप वीक में 2 से 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, धीरे धीरे आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा, रिजल्ट आपको पहली बार में ही नज़र आएगा एंड धीरे धीरे आप देखने लग जाओगे आपकी फेस की स्किन टोन कितनी अच्छी हो गई है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम, मतलब फेस की हर एक प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ट्राई ज़रूर करके देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस पैक है। ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे फ़र्क दिखाते हैं, बट फ़र्क ज़रूर दिखाते हैं, इतना मैं डेफिनेटली 100% श्योरली बोल सकती हूँ। ट्राई ज़रूर करके देखना, पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है मुझे ये वाला फेस पैक। प्लीज़ राशि भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल बटन को जरूर हिट करना ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ एंड जो भी फ्यूचर में वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।